हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 1171 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, यहाँ पर देखने वाले हैं पिक योर DOB के हिसाब से, यानी कि जो भी आपकी DOB है, आपकी बर्थ डेट है, आप उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड रीडिंग का जो आज सेशन, आज जो टाइटल रहने वाला है वो है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। अगर आपकी मैं हायर सेल्फ के बारे में बताऊँ, सो यू नो आपकी हायर सेल्फ, आपकी सोल को समझ लीजिए, आपका वो हिस्सा समझ लीजिए जो यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड है, आपकी इंट्यूशन समझ लीजिए, ठीक है ना, जिसे ऑलरेडी पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट है, इस प्रेजेंट टाइम में आपने क्या एक्शन लेने चाहिए। सो यस, यहाँ पर हम यही देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है। बिकॉज होता क्या है ना, जब हम अर्थ पे आते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत कुछ चल रहा है, लेयर्स चढ़ती जाती हैं, परतें चढ़ती जाती हैं, है ना, तो उस बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इल्यूजन्स आ जाते हैं, शेडो साइड आ जाती है, लेकिन हायर सेल्फ जो है, जो इन सबसे ऊपर है, तो यही देखने वाले हैं यहाँ पर। डायरेक्टली अपनी DOB से आप लोगों ने चूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो DOB है वो है 1357 9, 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ग्रुप नंबर टू के लिए यहाँ पर जो DOB है वो है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप आराम से देख लीजिए जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपकी DOB है, और टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज, याद रहे जनरल रीडिंग है, तो मे भी कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें, सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो एक बारी अपनी आंखें बंद करके तीन बारी डीप ब्रीदिंग करिए, तीन बारी गहरी सांस लीजिए, अपनी सारी एनर्जीज को इस वक्त यहाँ पर फोकस करिए और डिवाइन से बोलिए कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। देखो, आपको हमेशा प्रेयर्स करते रहने चाहिए, बिकॉज प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है। हम अंडरस्टिमेट करते हैं सारी छोटी छोटी चीज़ों को, लेकिन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सो प्रेयर्स करिए। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, मजीशियन, ओके। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से पता है आपके लिए पहला मैसेज क्या है, कि तुम जो चाहो अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक बारी अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ करने का ठान लो, कहीं पहुंचने का ठान लो, कुछ डिसाइड कर लो, तो फिर आपके लिए कोई छोटी बात नहीं होगी। बस यहाँ पर आपकी लाइफ में दिक्कत कहाँ पर आती है, जब आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हो, जब आपको सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स में आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो, या जब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हो, या जब आउटर लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, जब आप इन सारी चीज़ों में ज़्यादा फंस जाते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को फिलहाल आपकी हायर सेल्फ की तरफ से जो मैसेज है वो ये है। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी एनर्जीज को अपने ऊपर फोकस करिए, और आपको आपसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता, ठीक है ना। तो आपको डिसाइड करना है अब कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, आपके क्या गोल्स रहने वाले हैं, आप क्या कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये चीज आपने डिसाइड करनी है और फिर आपको इसी के हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ सॉट्स। लाइफ में आपके साथ ऐसे होता है कि आप जैसे आगे बढ़ते हो, आपने कोई भी अपना कुछ भी करने का सोचा, आप आगे बढ़े, आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, एंड देन फिर चीज़ें जो हैं वो कुछ खराब होने लग जाएंगी, कुछ बिगड़ने लग जाएंगी। आपको लगेगा कि ठीक है, अब सब कुछ वही कि अच्छा हो रहा, फिर खराब होने लग जाता है, तो आप इस रिपीटेड पैटर्न से थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो। देखो, यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि देखो, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, अगर आप इम्पेशेंट होंगे, आप चाहोगे कि जल्दी से आपको रिजल्ट मिले, जल्दी से सब हो जाए, जल्दी से सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाए, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी।
तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सब्र रखिए, और साथ में यहाँ पर यू नो अगेन वो मैसेज रिपीट यहाँ पर हो रहा है कि कुछ चीज़ों से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जो चीज़ें जो बातें यू नो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी याद आ रहा है कि पास्ट की कुछ चीज़ें ना आपको बार बार ही याद आती हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें आपको बार बार ट्रिगर करती हैं, आपको बार बार परेशान करती हैं, तो आपको अपने पास्ट से आगे बढ़ना पड़ेगा। पास्ट यू नो देखो पास्ट में जो लेसन्स मिले, जो एक्सपीरियंस आप लोगों को मिले हैं ना, आप उन्हें अपने पास ज़रूर रखें, लेकिन वो चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, किसी ने कभी कुछ आपसे नेगेटिव कह दिया, अब उस बात को 2 साल हो गए हैं लेकिन स्टिल आप उसको रिमाइंड कर रहे हो, स्टिल आप उसको याद कर रहे हो, तो आप जो हो ना, यानी कि दूसरे लोग तय नहीं करते कि आप क्या हो, है ना, हम खुद तय करते हैं कि हम क्या हैं, जो हम खुद को मान लेते हैं वो हम बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं बोलूंगी अपने ऊपर एक ऐसे लिखो कि आप कैसे इंसान हो, आपके अंदर क्या खूबियां हैं, आपके अंदर क्या खामियां हैं, और उन खामियों को आप कैसे ओवरकम करना चाहते हो, कैसे अपने बेस्ट वर्जन में आप लोग आना चाहते हो। तो दूसरों ने जो आपको कहा, जो कुछ बोला, आपको उन चीज़ों को सबसाइड करना है अभी यहाँ पर, अपनी कहानी खुद लिखनी है, अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करनी है, मैनिफेस्टेशन करिए आप लोग, ठीक है ना। मैं रात में रीडिंग शूट कर रही हूँ तो पीछे से पटाखों की आवाज़ जो है वो आप लोगों को मे भी आते रहे, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। सो यू नो आपकी लाइफ में अगर देखा जाए, पेंटिकल्स 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 की एनर्जी है इस वक्त, अगर देखा जाए तो आपकी स्ट्रगल भी यहीं चल रही है। आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोवाइड कर पाओ, आप अपने पेरेंट्स के सारे सपने पूरे कर पाओ, आप उनको थोड़ा रिलैक्स दे पाओ, आप उनको थोड़ा सा आराम दे पाओ, या अगर आप खुद पेरेंट्स हो तो आप चाहते हो अपने यू नो बच्चों के लिए अच्छे से चीज़ें कर पाओ, जो भी कुछ यहाँ पर चल रहा है आप कर पाओगे, लेकिन उस चीज़ को लेकर ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों ने स्ट्रेस ले लिया है, तो वो सबसे पहले वो स्ट्रेस को निकालने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है कि स्ट्रेस को निकालो अपने अंदर से, अपने आप में से, फिर कुछ क्रिएट कर पाओगे, है ना। तो और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, मनी की एनर्जी है, फाइनेंसेस की यहाँ पर एनर्जी है। तो आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज ये है कि देखो आपकी डेस्टिनी में अगर देखा जाए तो सक्सेस लिखी है काफ़ी सारी, पैसा भी लिखा है, आप लोग काफ़ी आगे जाओगे, नाम कमाओगे, आपके सपने भी सारे पूरे होंगे, आप लोग अपने लिए कुछ बड़ी परचेज करना चाहते हो, कुछ लोन है आपके ऊपर, आप उनको कंप्लीट उनको क्लियर करना चाहते हो, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बस हेडिक नहीं लेनी है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, बस अपने आप को रिलैक्स रखो, डीप ब्रीदिंग आप लोग प्रैक्टिस करा करो डेली, सुबह सुबह जब भी आप उठो, ठीक है, अपने बेड पे ही प्रैक्टिस कर लो, 10 मिनट अपने फ़ोन में अलार्म लगा लो, ठीक है ना, और डीप ब्रीदिंग आप लोगों ने करनी है। आप गहरी सांस लीजिए, इनहेल करिए, उसको होल्ड करिए कुछ सेकंड्स के लिए, फिर एक्सहेल करिए, तो ये प्रोसेस आपने 10 मिनट तक करना है, और आप देखना आप करोगे ना आपको 1 वीक में खुद ही रिजल्ट दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बस बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, और आपकी हायर सेल्फ की तरफ से एक स्ट्रांग मैसेज यही है कि इतना हेडेक टेंशन लेने से ना कुछ भी नहीं होगा, चिल रहकर करो अपने काम को, एकदम यू नो खुश होकर करो अपने काम को, एनर्जी के साथ भरपूर होकर पॉजिटिव होकर अपने काम को करो आप लोग, तो आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में कब फेलियर्स रहे, उनको याद मत करो अभी, आप बस ये देखो कि आपके पास जो है वो आपका आज है, प्रेजेंट है, और इसमें ही करना है आपको जो कुछ भी करना है, तो आपको अपने आज पर फोकस रखना है। और दूसरी चीज, एक दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी मैं दे चुकी हूँ आप लोगों को आपके हायर सेल्फ की तरफ से, ये भी है कि लोगों की नज़र से खुद को देखना बंद करो, लोगों ने क्या आपके ऊपर चीज़ें डाली, क्या आपको बोला, सब कुछ साइड करो, और आप क्या हो ना वो आप खुद, आपको खुद तय करना है, आपको खुद लिखना है, ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियों को डिजर्व करते हो, ढेर सारी हैप्पीनेस को डिजर्व करते हो, और कुछ लोगों का सपना, सपना बोलूँ मैं इसे या जो भी कुछ बोलूँ, फैमिली को लेके कुछ चीज़ें हैं कि शादी कब होगी, कि बच्चे कब होंगे, यू नो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत जल्द कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में जो है वो आने वाली है, और यस
कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में मैं आते हुए देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट। कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर आ रही है, कोई ऑफर आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है और हीलिंग बहुत सारी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज है आप लोगों के लिए कि देखो खुद को हील करने के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, ये तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना है, लगातार आप लोगों के लिए आए हैं। कहा जा रहा है खुद को हील करने के ऊपर ध्यान दो, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करो, अपनी नई कहानी लिखो। ठीक है, और साथ में आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज ये भी है कि देखो आगे तुम्हें बहुत कुछ करना है, आगे बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एड ऑन होने वाली हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी, काम भी बढ़ेगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ना अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वो अपनी हेल्थ को बहुत ही नज़रअंदाज करते हैं और पूरे दिन बस काम 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 एंड बहुत सारी चीज़ों में लगे रहते हैं, और फिर जब हेल्थ ख़राब होती है फिर एकदम से पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अपना बहुत ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी फिटनेस का ख्याल रखो। ठीक है, और इसके साथ फिर अपने काम को भी मैनेज करो। ठीक है ना, तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है। बाकी चैरियट का कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए और स्टार के साथ में ये कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज ये है कि ध्यान करो। ठीक है, ध्यान करो। आप अपने आप बेहतर तरीके से तभी समझ पाओगे, तभी जान पाओगे जब आप ध्यान करोगे, क्योंकि तभी वो जो चीज़ें आपके अंदर भरी पड़ी हैं ना, वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी कुछ पास्ट के इंसिडेंट्स हैं, जो पेन है, वो वैसे ही निकलेगा और उसी बीच आप अपने बेस्ट वर्जन में आ पाओगे, अपने बेस्ट पोटेंशियल को जान पाओगे। तो ध्यान ज़रूर करना है। मे बी कुछ लोगों के पास इस वक्त वक्त ना हो वाकई में, लेकिन आप थोड़ा सा ट्रैवल कर रहे हो, बस अपनी आंखें बंद करो, कोई अच्छा सा म्यूज़िक चला लो, मेडिटेशन म्यूज़िक आप डालोगे यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूज़िक मिल जाएंगे। ध्यान थोड़ा सा करो, अपने अपने विद इन कनेक्ट करो। ठीक है ना, ये चीज़ कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें तो एमिथिस्ट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। एमिथिस्ट आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग की कही करी जा रही है ना, कुछ लटकों की करी जा रही है, तो एमिथिस्ट को आप ज़रूर वेयर करो। ठीक है ना, वो आपको लचको करने में, आगे बढ़ने में, हील करने में आपको और साथ के साथ स्पिरिचुअलिटी में भी हेल्प करेगा, ध्यान करने में, मेडिटेशन करने में। ठीक है, बिकॉज वो थर्ड आई चक्रा का स्टोन है। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी। ठीक है ना, और चीज़ें जो हैं वो बेटर ही हो रही हैं, पहले से अच्छी ही हो रही हैं। इट जस्ट कभी कभी क्या होता है ना कि जब हमारी लाइफ में बदलाव भी हो रहे होते हैं ना, हम उनको रिजिस्ट कर रहे होते हैं, हम उनसे डर रहे होते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या रहेगा। तो डरना नहीं है यहाँ पर, इन चेंजेस के साथ आपको बहना है, इन चेंजेस के साथ आपको आगे बढ़ना है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर है। विजडम अगेन नंबर 5 की एनर्जी है। मे भी आप लोगों को ना या तो नंबर 10 10 बहुत ज़्यादा दिखेगा, या आपको एंजल नंबर 555 505 515 ये बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो इट मींस चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। विजडम का कार्ड अगेन यहाँ पर ये बता रहा है आप लोगों के लिए कि नो मैटर यू नो, कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ में देखो एड ऑन करनी ही पड़ेंगी। फिर जैसे मैंने बोला, मेडिटेशन आपने करना है, डीप ब्रीदिंग आप लोगों ने करनी है, और देखो करना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना है तो। अभी तक जैसे चीज़ें चलते आ रही थी चल रही थी ना, अगर अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, यू नो अपनी डेस्टिनी को खुद लिखना है, कुछ बड़ा करना है, तो अपना रूटीन सेटअप करना पड़ेगा। बड़े बड़े जो भी लोग हुए ना, आप देखोगे वो अपने शेड्यूल से ही चलते थे। हालांकि मैं एक एग्जांपल देने के लिए कह रही हूँ, विजडम का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए और कहा जा रहा है कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ ऐसी चीज़ें यू नो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि केवल आप स्क्रॉल कर रहे हो यूट्यूब पे या कुछ भी है, आप बस देखे जा रहे हो जो आ रहा है सामने। नहीं, आप अपना कंटेंट भी यू नो चूज करो कि आपको क्या देखना है। आप वही कैटेगरी देखो, आप वही चीज़ों के बारे में रिसर्च करो, आप वही चीज़ों के बारे में जानो। ठीक है, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है कि अच्छी चीज़ें देखो सुनो,
अच्छे लोगों के साथ रहो जो खुद पॉजिटिव रहते हैं। फिलहाल के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है। अच्छे एनवायरनमेंट में रहो, जैसे मंदिर चले जाओ दर्शन करने के लिए, जब भी आपको समय मिले। मंदिर जो भी आप जाते हो, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, जो भी कुछ है, चले जाओ थोड़ा सा, क्योंकि आपको ना इस वक्त बाहर से पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करने की ज़रूरत है। और नेगेटिव तो कुछ भी नहीं देखना आप लोगों को, ना नेगेटिव सॉन्ग सुनने, ना कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा हार्श जैसे मूवी रहती है वो आपने बिल्कुल नहीं देखनी है। आपने कुछ ऐसा ही देखना है जिससे आपको कुछ नॉलेज मिल रही हो। पैशन इग्नाइटेड, तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, कि अपने अंदर के वो पैशन को जगाओ, बिकॉज ये समय है अपनी कहानी खुद लिखने का। अपनी तकदीर जो है वो खुद तय करनी है आप लोगों को। तो अगर कुछ बड़ा करना है तो पैशन का होना जरूरी है, अंदर वो फायर का होना जरूरी है। तो आपको खुद को ना मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या लटकू करने की जरूरत है, क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजोल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो यहाँ पर मैंने यही पूछा कि आपको क्या जो है वो रिप्लेस क्या रिलीज करने की जरूरत है। तो यहाँ पर कार्ड आया है फियर का, कि अपने अंदर से डर को निकालो। और एक डर कुछ लोग के अंदर यहाँ पर है कम्युनिकेशन का फियर, अपनी बात कहने से डर लगता है, प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं, बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं। ये सारे डर को पहले तो एक्नॉलेज करो कि हाँ ये डर मेरे अंदर है, और फिर प्यार से उस इमोशन को बोलो कि मैं अब तुम्हारे साथ और डील नहीं कर सकती, ठीक है ना, या जो भी आप अपने वर्ड्स में बोलना चाहते हो आप उसको बोलो, और उस इमोशन को बोलो कि मैं अभी तुम्हें रिलीज करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने बोलना है कि वो इमोशन जो है वो आपके अंदर से रिलीज हो चुका है, एंड आई लव यू। ये होपोनोपोनो प्रेयर में एक एक्सरसाइज आती है। तो खैर, आपने बस वो इमोशन को एक्नॉलेज करके उसको रिलीज करना है, आप बस इतना शॉर्ट में समझिए, और जैसे भी आप एफर्म करें वो ठीक है, ठीक है ना। फ्रेंडशिप, और मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिला आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, कि आप किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, ऑफ कोर्स अच्छा होता है सबकी हेल्प करना, सबकी प्रॉब्लम सुनना, लेकिन कभी कभी इस दौरान हम अपनी बहुत सारी एनर्जी को भी रिलीज कर देते हैं। स्पेशली जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पर आपको भी देखना चाहिए कि आप किन लोगों के साथ उठ रहे हो बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हो, अपने प्लान्स को शेयर कर रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा अगर खुद के साथ थोड़ा अपने साथ ही रहो, अपने सर्कल को थोड़ा सा स्मॉल करके ही रखो, तो वही आपके लिए बेस्ट है फिलहाल के लिए, मैं कह रही हूँ। अभी जो है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज है, बिकॉज इस वक्त आपको सारा ध्यान, सारी एनर्जी जो है वो अपने ऊपर, अपने काम, अपना करियर, अपना फाइनेंसेस, इनके ऊपर लगानी है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, फ्लरिश, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। देखो यहाँ पर आपके लिए सिंपल सा मैसेज क्या कहा जा रहा है, कि आपको अभी तक लाइफ में जो भी कुछ एक्सपीरियंसेस मिले हैं ना, वो इनफ है अभी आपके लिए, आप आगे बढ़ो होने के साथ। और साथ में जरूरी नहीं होता कि हर बार हम खुद ही गलती करके सीखें। अगर हमें दिख रहा है कि किसी और ने वो गलती करी और उसका कैसा अंजाम रहा, तो हमें पहले ही सबक ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपने कैसे कहा जा रहा है कि आपको वाइजली अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एरर करो और फिर उसको ठीक करो, वो वाला रूल बोला जाता है ना। आपको है कि आप बस अवेयर रहो कि क्या कुछ आसपास चल रहा है, क्या कुछ आपके आसपास हो रहा है, और आपको उसके हिसाब से कैसे डील करना है, कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के साथ कही जा रही है, कि अपने प्रेजेंट में रहो, अवेयरनेस होनी आपकी लाइफ में ज़रूरी है। हिडन डेप्थ, समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स ए सीक्रेट और मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड, व्हेन वी एक्सपोज व्हाट्स हिडन वी कैन बिकम फ्री। यहाँ पर अब आपको ना आपकी लाइफ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें रिवील भी होने वाली हैं, कुछ सब सच जो है वो आपके सामने आने वाले हैं। आप खुद को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान रहे हो, पहचान रहे हो, कुछ रियलिटीज़ आपके सामने आ रही हैं,
और जब ये चीजें आपके सामने आ रही है ना, आपका इनके साथ जो एक बॉन्ड क्रिएट हो गया था ना, अनवांटेड एक बॉन्ड, वो भी रिलीज हो रहा है अभी यहाँ पर। तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। आजादी का समय है, फ्रीडम का समय है यहाँ पर आप लोगों के लिए, और आप बहुत सारी चीजों को लेट गो कर रहे हो, बाय बाय बोल रहे हो, रिलीज कर रहे हो, ये सब कुछ चलने वाला है। और इसीलिए यहाँ पर ये भी मैसेज मिला था कि आप अपना ख्याल रखो, अपनी अच्छी डाइट लो, आप थोड़ा कोई भी योगा वर्कआउट अपने डेली रूटीन में ऐड करो। ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा वॉक कर करके ऑफिस चले गए, अगर आसपास ही है कहीं, स्टेयर्स पे अप एंड डाउन कर लिया, मूवमेंट रहे आपकी बॉडी में। ऐसा नहीं कि बस एक ही जगह बैठ गए और बस पूरे दिन बस वहीं निकल गया, तो वो चीज नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना, ये मैसेज आपके लिए है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्रीवल। अगेन देखो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज ये है कि फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ योर्स, आपके बेस्ट के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए, मे भी कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर हो सकते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं, कुछ लोगों की, ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रही, लेकिन कुछ लोगों के साथ अब आपको जैसे कुछ लोग आपकी लाइफ में ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन आप फिर भी उनको चेक कर रहे हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी प्रोफाइल चेक कर रहे हो, जो भी कुछ है आपने नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से आप अपनी एनर्जीज अभी तक उनके साथ शेयर कर रहे हो, आपने अपनी कॉर्ड्स अभी तक उनसे कनेक्ट कर रखी हैं, बट आपको अपनी जो कॉर्ड्स हैं वो वहां से डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है, बिकॉज ये टाइम जो है आपके लिए है रिन्यूअल का, चेंजेस का, बदलाव का। ओके, सो यहाँ पर है एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, आपके मन में बहुत सारे सपने हैं, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे अपने सोल पर्पस को भी पूरा करना है, बट अभी आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज क्या है कि सब कुछ करना, लेकिन फिलहाल का वक्त जो है ना वो है अपने लिए करने का, अपने आप को देने का। आप सोचो कि आप सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन अगर आपके पास ही नहीं है, आप कैसे दे पाओगे ना किसी को वो चीज, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? तो फिलहाल आपको अपनी एनर्जी को जगह जगह नहीं बांटना है, आपको एक ही एम पे लगाना है, आपको एक ही गोल पे लगाना है, समझ रहे हो? तो ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। लिख लिया करो इन चीजों को, बिकॉज टैरो जो मेनली है वो आपको गाइड करने के लिए ही है, वो आपको रास्ता दिखाने के लिए ही है, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग में भी मैं आपको यही बताऊंगी, आप करवाओगे तो, राइट? तो अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है, सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, तो आप चीजों को फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंजल्स ने आपको मैसेज दिया, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आप उसको करो फॉलो, ठीक है ना? नहीं तो फिर कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इनसे रीडिंग से, है ना? तो आप करोगे तो डेफिनेटली होगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर तंत्रा एंड मणिपुरा। देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि देखो कुछ चीजों का होने का अपना एक पर्टिकुलर प्रोसेस ही होता है, अपना एक पर्टिकुलर तरीका होता है, हम अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें रोड पे चलना है तो वहां पे अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं, हमें कोई ड्राइव करना है व्हीकल तो अपने कुछ रूल्स हैं, गवर्नमेंट के अपने कुछ रूल्स हैं, हमें सबको उसी के हिसाब से चलना है, हम वहां पर अपने चेंजेस नहीं लगा सकते, हम उस चीज में हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते कि हम तो अपने रूल्स खुद बनाएंगे, वहां पर हमें जो रूल्स हैं जो सबकी भलाई के लिए, हमें उन्हीं के हिसाब से चलना है। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोग की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन टू, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। सो अपनी आंखें बंद करें, 3 बारी डीप ब्रीथिंग करें और डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करें, एंड देखते हैं यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। हम्म,
सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे टू ऑफ कप्स। आप लोग बहुत पावरफुल हो ऑप्शन टू, और जो भी लोगों ने ग्रुप को कहीं ना कहीं यू नो इस रीडिंग पर आप लोग आए हो, आप लोग देख रहे हो, आप लोग बहुत यूनिक हो भाई। आप लोग ऐसे हो कि रोते हुए इंसान को भी हंसा दो, मतलब आपकी एनर्जीज इतनी लाइट है, आपका ऑरा इतना वाइब्रेंट है, आपके फेस पे एक चार्म होगा कहीं ना कहीं, एक कॉन्फिडेंस है आप लोगों के अंदर, और आप लोग बहुत आगे जाओगे भाई, बहुत ज्यादा। इट जस्ट यहाँ पर आपसे बस ये कहा जा रहा है कि यू नो आपका पर्पस जो है लाइफ का वो बड़ा है, कुछ बड़ा करने आप इस दुनिया में आए हो, तो छोटी मोटी चीजें जो है, वो छोटी छोटी बातें जो है वो होती रहती हैं, उनको इतना ज्यादा दिल से मत लगाया करो, ठीक है ना। अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाओ, और छोटी छोटी चीजों से इफेक्ट आप लोगों को नहीं होना है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो स्ट्रांगली आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज है कि वक्त है एक नई शुरुआत का। कुछ लोग के लिए ये जो शुरुआत है वो उनके करियर में भी हो रही है, और कुछ लोग के लिए जो शुरुआत है वो उनकी लव लाइफ में भी है, ठीक है। आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, कोई पर्सन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, किसी से बातें करना आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये कुछ लोगों के लिए एक नए रिश्ते की भी शुरुआत है, और कुछ लोगों के लिए करियर में भी ये एक नई शुरुआत है। लेकिन यू नो मैं काफी सारी एक पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, काफी सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, और आपकी हायर सेल्फ भी यहाँ पर बस ये कह रही है कि अब जो कुछ हो रहा है ना लाइफ में, बस उसके साथ आगे बढ़ते चले जाओ, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है आप लोगों के साथ। और ओ माई गॉड, यू नो ऐसा शायद पहली बार हुआ है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉट्स, एस ऑफ कप्स, आप लोग बहुत यूनिक हो ऑप्शन टू, और आप लोग बहुत पावरफुल हो। आप लोग ऐसे ही इस रीडिंग पर नहीं आए, मैं आपको ये भी बता दूं एट द सेम टाइम। और यहाँ पर स्ट्रांगली स्ट्रांगली तीनों ही कार्ड जो है वो न्यू बिगनिंग्स के हैं, पॉजिटिविटी के हैं, ग्रोथ के हैं, प्यार भी आपकी लाइफ में आ रहा है, करियर में भी अच्छा कुछ कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल रहे हो, एक्शंस भी ले रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, है ना। बस धीरे धीरे यू नो अपने आप को इम्प्रूव करते चलो आप लोग, ठीक है। आपकी हायर सेल्फ ये कह रही है कि बस धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करते चलो, रेस्ट तो सारी चीजें यू नो मैं आपके लिए पॉजिटिव होते हुए ही देख रही हूँ खुद ब खुद। मुझे नहीं पता आप लोग क्यों रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि अक्सर यू नो रीडिंग्स हम तभी तलाशते हैं जब हम कुछ कंफ्यूज हैं, हम कुछ डाउट्स में हैं, हम कुछ अपने लिए मैसेजेस चाहते हैं। बट आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। लिटिल बिट कुछ लोगों के मन में डाउट है कि सब कुछ अच्छा तो रहेगा ना, फ्यूचर में सब कुछ अच्छा तो रहेगा ना, तो भाई सब कुछ अच्छा रहेगा। इतना ज्यादा सोचने की, इतना परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं है। किंग ऑफ सॉट्स का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है। देखो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि यू नो काम बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में रहने वाला है, तो आपको प्रायोरिटीज भी सेट करनी पड़ेंगी कि आपको किस काम को कितना टाइम देना है। थोड़े से एडजस्टमेंट भी रहेंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ ना भी ये नए फेज पे आगे बढ़ेगी, नई चीजों पे आगे बढ़ेगी, बहुत सारी नई नई चीजें आप लोगों के साथ जैसे होने वाली हैं, तो पुराना जैसे रूटीन चलता आ रहा था, पुराना जैसा लाइफ स्टाइल था, पुराने जैसे चीजें चलती आ रही थी, उनमें अब कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस जो है वो होंगे, तो आपको थोड़ा सा, आप कभी कभी थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी फील कर सकते हो, आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बस ये है कि मैनेज करना है, बैलेंस बनाना है, और मैनेज करना पड़ेगा भाई, अपने टाइम को भी मैनेज करना पड़ेगा कुछ लोगों को। ये स्ट्रांगली आप लोगों की तरफ से मैसेज है। हाई प्रिस्टेस, आपकी हाई सेल्फ की तरफ से मैसेज ये है कि आपकी हाई सेल्फ की तरफ से क्या मैं बोलूँ कि आपको बहुत जल्द सक्सेस मिलने वाली है। आई डोंट नो, सक्सेस के मायने जीवन में सबके जो है वो अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा आपके साथ होने वाला है फॉर श्योर। और मुझे मैक्स मतलब 2 मंथ्स नजर आ रहा है, जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो उसके मैक्स नेक्स्ट 2 मंथ्स में, लाइक क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है ये, कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ स्पेशल कुछ होने वाला है भाई, कुछ ऐसा आपके लाइफ चेंजिंग सा कुछ रहने वाला है। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। आप लोग ऑप्शन टू अपने सोल पर्पस से भी कनेक्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ का अभी तक आप ढूंढ रहे थे कि मकसद क्या है, तो आपको ये भी समझ में आ रहा है अब कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है।
स्पिरिचुअल यूनियन भी मुझे कुछ लोग की यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर कुछ लोग सेपरेशन में थे अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ, कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी, तो यहाँ पर यूनियन भी है, रीयूनियन है यहाँ पर। और आप लोग शायद इस यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे थे या जो भी कुछ है, लेकिन यस, कुछ बड़ा यहाँ पर आपकी लाइफ में होने वाला है। आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, आपके सब्र का फल मिल रहा है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं ऑप्शन टू आप लोगों के साथ। और ये मैसेज जब मैं आपकी रीडिंग स्टार्टिंग में, जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी, मुझे तब ही मिल गया था कि लाइक आप लोग बहुत स्पेशल हो, बहुत यूनिक हो और अच्छा अच्छा होने वाला है बहुत कुछ, ठीक है ना। टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन टू ऑफ वॉन्ड्स ना चेंजेस के बारे में बात करता है। कुछ लोग यहाँ पर अपना जॉब से बिजनेस पे शिफ्ट कर रहे हैं, बिजनेस से कुछ ऑनलाइन वर्क पे शिफ्ट कर रहे हो। बिजनेस भी है तो सपोज कुछ लोग अब उसे ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं। आई डोंट नो, ऑनलाइन के रिलेटेड आप कुछ कुछ कर रहे हो अपना, ये भी चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। आगे की प्लानिंग चल रही है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ करना नहीं है लाइफ में, ठीक है ना। वो सारा कुछ आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से अगर मैं बात करूँ ना, क्या मैसेज है ओवरऑल रीडिंग में, आपकी हायर सेल्फ बस आपसे कह रही है कि तुम तसल्ली रखो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तुम्हारा सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है इस वक्त, और बस अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। ये टाइम पीरियड आप लोगों की लाइफ का जैसे बेस्ट टाइम पीरियड रहने वाला है। इसको एंजॉय करो, इसको एम्ब्रेस करो, साथ में अपनी नॉलेज को भी बढ़ाना है, अपनी विजडम को बढ़ाना है, अपनी इंट्यूशन पर आप लोगों को विश्वास करना है। चेंजेस होंगे, उनके साथ आपको अपना थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। साथ में सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर सक्सेस भी मिल रही है, आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, तो कहीं से कुछ कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी हो सकती हैं। यानी कि जैसे कुछ लोगों की वजह से प्रॉब्लम आए, कुछ लोग ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश करें, कुछ ऑब्जेक्शंस आप लोगों के ऊपर लगे, है ना। तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है और खुद को स्ट्रांग बनाकर भी रखना है कि ऐसे ही किसी से इफेक्ट नहीं होना, ऐसे ही किसी ऐसी छोटी बातों पे कहीं रोने लग जाओ, परेशान हो जाओ, तो वो नहीं करना है आप लोगों को। खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का स्टार्टिंग में कार्ड था। बहुत सारे नए नए रिश्ते भी मैं आप लोगों के लिए जुड़ते हुए देख रही हूँ। कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ नए लोगों से आप लोग मिल रहे हो। यस, आपकी हायर सेल्फ कह रही है बदलाव के लिए तैयार हो जाओ भाई। और एक और मैसेज है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से कि अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना, ठीक है ना। ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट टास्क रहने वाला है कि इनकम कम हो रही है, एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इन चीजों का जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, बिकॉज यू नो इतना पोल्यूशन हो रहा है, सो उसके वजह से। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन टू और क्या मैसेज है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से। ऑप्शन टू, स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, ये वाला कार्ड ना ऑप्शन फर्स्ट में भी था, लेकिन दूसरी डेक से था। ये दोनों ही कार्ड आना चाहते हैं, मूविंग ऑन, डिसेप्शन एंड एनवी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन टू अगर बात करूँ, और क्या मैसेज है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से। सी, ग्राउंडिंग की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ग्राउंडिंग मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, और जैसे मैंने कहा ना, आप समटाइम ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करा और हमें इतना कुछ मिल गया, और फिर होता है अब हम इसे संभालें कैसे, अब हम बैलेंस कैसे मेंटेन करें। तो ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और ग्राउंडिंग के लिए आप थोड़ा बहुत नेचर में वॉक, यू नो, दिन का आधा घंटा ज़रूर करो। आधा घंटा नहीं, 10-15 मिनट ज़रूर करो, नेचर में अपना टाइम स्पेंड ज़रूर करो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। साथ में क्योंकि यहाँ पर ना सेवन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था, कोई किंग ऑफ पेंट आई एम सॉरी किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड था, तो देखो कुछ लोगों की तरफ से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है,
कुछ लोग अपनी बातों से कर रहे हैं, है ना, आपको वर्ड्स दे दिए, देन वो पीछे हट रहे हैं, बैक स्टेप वाली एनर्जी, डिसेप्शन वाली एनर्जी। तो आपको थोड़ा सा, एक तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि संभल कर रहना है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो ऐसा नहीं कि अब अटक जाओ कि इसने ऐसे कर दिया, देखो ये ऐसे हो गया, आपको आगे बढ़ना है, लाइफ है, हमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं जो बिना कुछ कहे, बिना कहे, यू नो, इतना कुछ हेल्प भी कर देते हैं, मदद करते हैं, इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, और कभी कभी हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। तो ये लाइफ की चीज़ें हैं, ये फेजेस हैं, इनको एज इट इज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट करना है आप लोगों को, बट अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, ये चीज कही जा रही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ आपको, यू नो, मुझे अगेन सक्सेस वर्ड आपके लिए सुनाई दे रहा है। तो सक्सेस चाहिए आपको अपनी लाइफ में, और सोलर प्लेक्सस चक्रा को, इस चक्रा के ऊपर और ज्यादा काम करो, और ये चक्रा आपका अच्छा होता है जब आप सूर्य नमस्कार करते हो, या सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाते हो, ठीक है ना। तो आप सूर्य नमस्कार को अगर आप ऐड कर सको अपने डेली रूटीन में, एटलीस्ट, यू नो, 10 राउंड्स मैक्स, मतलब 10 राउंड्स एटलीस्ट, नहीं कर पा रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, बिगनिंग कर रहे हो, 3-4 राउंड्स तक आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने एड ऑन करने की ज़रूरत है, और बाकी आप लोग चाहो तो आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो है इस वक्त सिट्रीन, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन फर्स्ट में मैंने टाइगर्स आई बोला था उनकी एनर्जीज को देखते हुए, और आपको मैंने सिट्रीन बोला है आपकी एनर्जीज को देखते हुए, क्योंकि कुछ लोग दोनों रीडिंग्स देख रहे होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए अभी और देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, ओके, सो यहाँ पर है, ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए मैसेजेस सेल्फ इस्टीम का, यू नो, कहते ना हमारी इज्जत हमारी हाथ में होती है, हमारी, हम अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं, हम अपने आप को किस नजर से देखते हैं, हम अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, सेम वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, और दूसरे लोग भी हमें वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस जो है वो रखने की जरूरत है, अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, जब आप चल रहे हो, जब आप किसी से बात कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी में वो आपको थोड़ा सा, यू नो, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपनी, अपना बॉडी पोस्चर, अपना फिगर, अपनी ग्रूमिंग, थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। बिकॉज देखो ये हमारी हेल्थ के लिए भी जरूरी है, ये हमारे लिए भी जरूरी है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छा फील होगा, आपको पॉजिटिव फील होगा, तो इसलिए जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रही दूसरों को दिखाने के लिए जरूरी है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है ताकि आप और अच्छा फील करो, ठीक है, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्या लज को करने की जरूरत है। उम्र, देखो जैसे आप हो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, ठीक है ना, या सबके साथ आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे रहेंगे, जिन भी लोगों के साथ आप लाइफ में मिलोगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हमें हर तरीके के लोग मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको ना एक्सेप्टेंस भी लेकर आना है, आपको अपनी लाइफ में चीजों को, मैंने इस कार्ड से यही पूछा था कि आपको लेट गो क्या करने की जरूरत है, तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिला है कि आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है लाइफ के हर फेजेस को, हर पड़ाव को, हर तरीके के लोगों को, हर एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करते जाओ कि ठीक है ये ऐसा ही है, ठीक है लाइफ में सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता जैसा मैं चाहती हूँ या जैसा मैं चाहता हूँ, राइट। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। कुछ कुछ चीजों में ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, और अपनी एनर्जी, अपना टाइम, सब कुछ वेस्ट करते हो, तो आपको अपनी एनर्जी को जो है ना वो सेव करके चलना है, ताकि आप उसे सही जगह पे लगा सको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, सॉलिट्यूड, थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विद एवरीथिंग, द ग्रेटेस्ट ट्रेजर
आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम. अच्छा, कुछ लोग, मैंने यहाँ पर बात करी सेपरेशन की, या कुछ लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो डेस्परेट मत हो कि अभी रीयूनियन हो जाए, अभी रिकंसलेशन हो जाए, अभी नए दोस्त बन जाएं. कुछ चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो थोड़ा सा समय आपको देने की ज़रूरत है. और यकीन मानो, यहाँ पर टू ऑफ कप्स का कार्ड है, इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं ना कि अब आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होते हुए मैं देख रही हूँ. तो अगर कुछ समय आपको थोड़ा सा अकेले रहना पड़ रहा है ना, तो वो टाइम को लो कि यहाँ पर कुछ करने का समय है. ये पूरा टाइम आप अपने आप को दे सकते हो, अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, अपनी लर्निंग के लिए. कुछ सीखना है आप लोगों को, कुछ करना है, तो उस टाइम को ना ऐसे अपॉर्चुनिटी यूज करना है आप लोगों को. ऐसा नहीं कि आप लोनली फील, अब देखो ये फीलिंग है, ये कभी कभी आती है, लेकिन इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं दो आप लोग कि सैड सॉन्ग सुनने लग गए, विक्टिम मेंटेलिटी में आ गए. वो चीज आप लोगों को जो है वो नहीं करनी है. समय के साथ सब कुछ हो जाएगा. ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है, ठीक है? मतलब थोड़ा सा इस वक्त अगर आप अकेले हैं तो ये समझिए कि ये आपके लिए जरूरी है. आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर कह रही है कि अभी ऐसे ही होना चाहिए, अभी ऐसे ही होना जरूरी है, ठीक है? प्रोटेक्शन का यहाँ पर कार्ड है. द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद ए मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट. प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क. देखो यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से, आप लोग ना जैसे शाइन कर रहे हो, ठीक है? सक्सेस भी आप लोगों को मिल रही है, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप लाइम लाइट में आ रहे हो, आपको ऑफिस में बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, सब लोग आपको नोटिस कर रहे हैं. आपको अपने आप को ना प्रोटेक्टेड रखने की जरूरत है. आपको अगर जल्दी जल्दी नजर भी लग रही है, आप बिना वजह ड्रेन फील कर रहे हो, नेगेटिव फील हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की जरूरत है. तो देखो अगर आप लोगों ने कोई हीलिंग मोडेलिटी सीखी है, आप वैसे खुद को प्रोटेक्ट करें, नहीं तो आप सिट्रीन के साथ में ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट वेयर करें, ठीक है ना? आप वेबसाइट से डायरेक्टली ले सकते हो सिट्रीन एंड ब्लैक टर्मलिन के ब्रेसलेट, www.healofthe7.com, ठीक है? बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी. और इसके साथ में ना आप चाहें तो डेली हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, और बाकी आप सूर्य नमस्कार करोगे ना तो आपको और आपका जो ऑरा है वो और स्ट्रांग बनेगा. एक शील्ड आपके अराउंड खुद ही क्रिएट होते जाएगी. आप वॉक कर रहे हो नेचर में, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, तो आप खुद ही पावरफुल होते जाओगे, ठीक है ना? तो दूसरों की नेगेटिविटी जो है वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अभी खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है? बाकी और देखते हैं यहां से ऑप्शन टू. द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट, सोल ट्राई. तो आपकी हाई सेल्फ की तरफ से मैसेज है ऑप्शन टू. आपकी लाइफ में ना बहुत समय से चीजें बिखरी हुई सी पड़ी थी, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों हुआ, क्या रीजन था, ये इंसिडेंट आप लोगों के साथ क्यों हुआ, ये पेन आपकी लाइफ में क्यों आया, ये तकलीफ आपको क्यों मिली. लेकिन अब आपको सारी चीजों के मतलब समझ में आ रहे हैं. आप लोग अपने सोल पर्पस से मिल रहे हो, आप लोग अपनी सोल ट्राइब से मिल रहे हो, अपनी सोल फैमिली से मिल रहे हो. मैंने ये भी कहा था कि बहुत सारे नए लोगों से भी आप मिल रहे हो, ठीक है? नया ग्रुप बन रहा है, नए लोगों से मिल रहे हो, जान पहचान हो रही है. कुछ लोग यहाँ पर अपने सोलमेट से भी मिल रहे हैं, ठीक है? लेकिन इंट्यूटिवली आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है. आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही बता देगी, आपकी हायर सेल्फ जो है वो आपको पहले ही हिंट्स दे देगी. तो अभी बहुत सारी चीजें जो है वो होने वाली हैं. आपकी डेस्टिनी यहाँ पर मेजर मेजर जो है वो रोल प्ले कर रही है. अब आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आपको बस अपने आप को ग्राउंडेड रखना है कि इस टाइम पीरियड में आप अच्छे से चलें, अच्छे से सब कुछ रहे, अच्छे से सब कुछ मैनेज हो. तो जो कुछ कुछ चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं, आप उनका ख्याल रखिएगा. बाकी तो सब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अपने आप हो रहा है आपकी लाइफ में. सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक एंड टीचर. आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज है यहाँ पर ऑप्शन टू. हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ भी आया था. देखो,
कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है हम खुद को अच्छे से जानते हैं, हम खुद को पहचानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारे हिडन एस्पेक्ट्स होते हैं, हिडन चीज़ें होती हैं। अभी जो टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है ना, यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि आप अपनी हायर सेल्फ से ही कनेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होने वाली हैं, आप लोग चीज़ों के ना सही मतलब भी समझ रहे हो कि प्यार की आपकी लाइफ में सही मायने क्या हैं, फैमिली के आपकी लाइफ में सही मायने क्या हैं, आपको अपना सोल पर्पस क्या है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनती है। आप ना एक टीचर की भूमिका भी निभा रहे हो, आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, कुछ लोग जैसे लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हैं यहाँ पर, और आप लीड कर रहे हो, एक टीम को लीड कर रहे हो, तो कुछ लोग आपके अंडर सीख रहे हैं, आप सिखा रहे हो, बहुत कुछ रहने वाला है ऑप्शन जो आप लोगों के साथ हो, और आप बस तैयार हो जाओ भाई। मैं यही आप लोगों से बोलूंगी। साथ में यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल चीजें जो हैं उनको भी अपनी लाइफ में ऐड करो। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो ऐड करो। जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, यू नो, थोड़ी देर बैठो, उनके नाम का ही जाप करो, उनका ध्यान करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लास्ट कुछ मैसेजेस इस डेक से और देख लेते हैं। ऑप्शन टू, पिता अपनी आपको ना थोड़ा सा अपनी अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का। कुछ लोगों की बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, और उसके वजह से भी उन्हें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आपको चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है भाई, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज्यादा वाटरी हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, तो एक फायर और जो वाटर का बैलेंस है ना, कितना पैशन होना चाहिए, कितना प्रैक्टिकल होना चाहिए, कितना इमोशनल होना चाहिए, कब हमें प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है, कब हमें दिल से सोचना है, कब हमें दिमाग से सोचना है, वो बैलेंस आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग में से कुछ लोग के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लोग पानी कम पी रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने वाटर इनटेक को बढ़ाइए। ओह माय गॉड, माँ लक्ष्मी। ऑप्शन टू, क्या बोलूँ यहाँ पर, ये रीडिंग है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, क्या मैसेज है। बट मैं आपको बोलूंगी, सारी चिंता फिकर, जो भी टेंशन है ना, सब कुछ निकाल फेंकिए, बिकॉज बहुत कुछ पॉजिटिव, बहुत कुछ अच्छा आप लोगों के साथ होने वाला है। माँ लक्ष्मी का कार्ड है, आपकी लाइफ में ढेर सारी बरकत आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। मुझे कुछ लोग के लिए मैसेज मिल रहा है, सेवा भाव अपने अंदर लेकर आई है, जैसे कि यू नो आपने देखा होगा कि एक गुरुद्वारे में लोग कैसे सेवा करते हैं, ठीक है, सेल्फलेस होके वो कैसे सर्विस करते हैं वहां पर। सेवा में उनके लिए कुछ बड़ा कुछ छोटा नहीं होता, तो पता नहीं क्यों, बट ये मैसेज मिल रहा है कि थोड़ी सेवा, थोड़ी सी चैरिटी अपनी लाइफ में लेकर आओ, ऐड करो, कुछ ऐसा करो कि आपके वजह से दूसरे लोग की भी हेल्प हो, दूसरे लोग की भी मदद हो। ज्यादा नहीं, महीने में एक दिन का टाइम निकाल लो, 2 दिन का टाइम निकाल लो, जितना आप कर सकते हो मैनेज, लेकिन करो, ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो ऑप्शन टू, ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे हेल्प मिली होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें, रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।